तंजानिया के बकोबो एयरपोर्ट पर उतरने की कोशिश के दौरान मुसाफिर तियारा झील में गिरकर तबाह हो गया। हकाम के मुताबिक तंजानिया की निजी हवाई कंपनी प्रेसिजन एयर की परवाज के लिए रजिस्ट्रेशन 5H-PWF का हामिल ATR-42-500 तियारा तंजानिया के बकोबा हवाई अड्डे पर लैंडिंग के लिए अप्रोच पर था कि इलाके की विक्टोरिया झील में गिर गया। हादसे के बाद तियारे का बेशतर हिस्सा पानी में डूब गया। हकाम के मुताबिक एक मुसाफिर की लाश निकाल ली गई जबकि 15 अफराद को अस्पताल मुंतकिल किया गया है। हादसे का शिकार तियारा 12 साल पुराना था जिसने अगस्त 2010 में पहली उड़ान भरी थी। मकामी हकाम के मुताबिक PW-494 दारुल सलाम से बकोबा पहुंची थी। एक और इतला के मुताबिक तियारे में अमले के अलावा 43 मुसाफिर सवार थे जिनमें से 26 मुसाफिरों को बचा लिया गया जो अस्पताल में जेरे इलाज हैं। रेस्क्यू का काम जारी है जिसमें मकामी माहीगीरों की बड़ी तादाद और रजाकार अमदादी काम में हिस्सा ले रही है।